राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको मथुरा वृंदावन में ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ पर आपको रहने की सुविधा बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर। यहाँ पर रुकने की फैसिलिटी मात्र 50 रुपए से शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको एसी नॉन एसी दोनों ही तरीके के रूम मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, इसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर किस तरीके के रूम डोरमेट्री की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे, यहाँ पर सबसे सस्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। फिर हम जानेंगे कि यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है और आप टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में कैसे बुकिंग करवा सकते हैं। इन सब बातों की जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और इसका एड्रेस क्या है। तो इसका एड्रेस है यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड, कैलाश नगर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, जो कि मथुरा रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे आपको बहुत सारे ई रिक्शा ऑटो मिल जाएंगे, तो आप उसमें बैठकर भी यहाँ तक आ सकते हैं। अब वृंदावन मथुरा के प्रमुख मंदिरों से इसकी दूरी की बात की जाए तो ये प्रेम मंदिर कौन से 2 किलोमीटर की दूरी पर और बांके बिहारी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो आप वृंदावन मथुरा के प्रमुख मंदिरों के दर्शन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो एंट्री करते ही आपको एक बड़ा सा कॉमन हॉल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने काफी सारी चेयर्स रखी हुई है तो यात्री यहाँ पर आराम से बैठकर विश्राम कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ के रूम कैटेगरी के बारे में कि यहाँ पर आपको किस किस तरीके के कमरे मिल जाएंगे, इनके क्या प्राइजेस है। तो इनके ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी रूम्स अवेलेबल है वो फैमिली रूम्स है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए जिसमें 4 से 5 लोग है तो आप अलग से अपने लिए कमरा ले सकते हैं। फैमिली रूम्स में भी इनके पास 2 कैटेगरी है, एसी और नॉन एसी। दोनों ही रूम सेम रहते हैं, बस आपको एसी का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 बेड 5 बेड 6 बेड वाले रूम देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें इस रूम के चार्जेस की तो 4 बेड AC रूम आपको 1000 में और 4 बेड non-AC रूम आपको 800 में मिल जाएगा। तो अगर आप 4 से 5 लोग आए तो आप इसमें आसानी से रुक सकते हैं, जिसमें आपका AC रूम में 250 पर पर्सन लगेगा और non-AC रूम में 200 पर पर्सन। इसके अलावा अब मैं आपको यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलती हूँ जहाँ पर इनकी डोरमेट्री भी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है जिसमें लगभग 50 बेड के करीब है। आप अगर अकेले आए तो आप इसमें भी पर बेड ले सकते हैं, या आप एक बड़े ग्रुप के साथ आए तो आप एक पूरा हॉल भी बुक कर सकते हैं। डोरमेट्री के जो चार्जेस रहते हैं वो 150 पर बेड AC हॉल का रहता है और 100 रुपए पर बेड non-AC हॉल का रहता है। चार्जेस सेम ही रहते हैं अगर आप अकेले के लिए बेड लेते हैं, या फिर आप बड़े ग्रुप में रहते हैं तो भी चार्जेस सेम ही रहता है पर बेड का। अगर आपका बजट 150 से भी कम है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या इनके पास ऐसे कॉमन हॉल भी अवेलेबल है जिसमें आपको पूरा बिस्तर सेट मिल जाता है, जिसमें आपको एक गद्दा, एक बेडशीट, एक किया और एक चद्दर मिल जाती है, जिसे आप एसी हॉल या नॉन एसी हॉल दोनों में से किसी में भी चूज कर सकते हैं। बट अगर आप एसी हॉल चूज करते हैं तो उसका जो चार्ज रहता है 100 रुपए पर अडल्ट रहता है और नॉन एसी का जो चार्ज रहता है वो 50 पर अडल्ट रहता है। तो ये तो बात हो गई कि आपको यहाँ पर किस तरीके के रूम डोरमेट्री मिल जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने 50 रुपए में खाने की व्यवस्था करी हुई है, जिसमें आपको भरपेट भोजन मिलता है 50 रुपए में। इसके अंदर आपको 2 सब्जी, रायता, सलाद, चावल, रोटी, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और इस फैसिलिटेशन सेंटर में आपको इतनी बड़ी पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आए तो आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, और एक बड़े ग्रुप में बस लेकर आए तो उसके भी पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप बुकिंग कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग का कोई पोर्टल तो अवेलेबल नहीं है, और कार्ड पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है तो उस पे भी मैंने कॉल करके देखा तो वो नंबर पे भी कॉल नहीं लग रहा है। तो जब मैं इनकी वेबसाइट उज्ज्वल प्रज पे गई तो वहाँ मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिला, तो मैंने उस पे कॉल किया तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपकी बुकिंग करवा दूंगा, आप अपना डिटेल्स शेयर कीजिए। तो मैंने और भी उनसे पूछा कि और किन किन रेट्स पे अवेलेबल है। उन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप डिटेल व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करके बुकिंग 100% करवा देंगे। तो आप भी इस तरीके से उनको डिटेल शेयर करके या बात करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये रहा इनका कॉन्टेक्ट नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी, तो आप इन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं।
अब ऑफलाइन बुकिंग की बात की जाए तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आकर बुक करा सकते हैं। ये तो बात होगी कि आप टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में कैसे बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे सस्ता और अच्छा पूरे मथुरा वृंदावन में आपको रुकने का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर रूम की फैसिलिटी मात्र 50 रुपए से शुरू हो जाती है और 50 रुपए में आपको भरपेट भोजन भी मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।